मौसमी गर्मा में जब बारिशें होती हैं और पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो ये पानी पहाड़ों से दरियाओं में जाता है और फिर बहता हुआ समंदर में जा गिरता है। इस पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। इस तरह इस पानी को सारा साल काम में लाया जा सकता है। डैम किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बच्चों, इंसान के अलावा एक और जानवर भी ऐसा है जो डैम्स बनाने में माहिर है। जी हाँ, इस गैर मामूली जानवर को बीवर या ऊद बिलाव कहते हैं। बीवर के दांत इतने तेज होते हैं कि एक 3 फीट मोटे दरख्त को आसानी से 1 घंटे में काट देता है। एक ऊद बिलाव साल भर में तकरीबन 200 दरख्त काट लेता है। इनके डैम्स बनाने का तरीका हम इंसानों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये भी हमारी तरह मिलजुल कर काम करते हैं और काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। दरख्त काटने के बाद बीवर्स इसको मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं और बहते हुए पानी के रास्ते में जमा करके एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं और इन दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मट्टी, पत्थर और झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे एक बंद या डैम सा बन जाता है। जैसे जैसे पानी की सतह बुलंद होती जाती है, ऊद बिलाव साथ साथ डैम की दीवारों को भी ऊंचा करते जाते हैं ताकि मजीद पानी इकट्ठा किया जा सके। ये डैम तकरीबन 10 से 12 दिनों में तैयार हो जाता है। जब डैम बन जाता है तो ये उसके आसपास ही अपने घर बनाते हैं। अच्छा, इनके घर ज्यादातर पानी के अंदर होते हैं जो कि मोटे मोटे तिनकों से बनते हैं। फिर इन तिनकों को ये मिट्टी से लेप करके मजबूत बना देते हैं। हमारी तरह ये भी अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बनाते हैं और ये बच्चे तकरीबन 2 साल तक अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। दरअसल ये बच्चों की ट्रेनिंग का वक्त होता है जिसमें वो जंगल में जिंदगी गुजारने के तमाम ढंग सीख लेते हैं, जैसे घर बनाना, खुराक ढूंढना, खतरनाक जानवरों से बचना और डैम बनाना शामिल है। ऊद बिलाव डैम से बहुत सारे नाले भी निकालते हैं जिसके उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो इन नालों की वजह से बीवर्स की जंगल के हर कोने तक रसाई मुमकिन हो जाती है, जहां से ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। ऊद बिलाव की खुराक दरख्तों की शाखें और पत्ते होते हैं जो कि उसे बहुत पसंद है। दूसरा फायदा ये है कि नालों के पानी में होने की वजह से जंगल के खूंखार जानवरों के हमले से भी महफूज रहते हैं। सर्दियों में अपने बनाए हुए डैम की दीवारों में जमा शुदा लकड़ी और घास इनकी खुराक बनती है। बीवर अपनी जिल्द से निकलने वाले तेल और मोटे बालों की मदद से खुद को वाटरप्रूफ बनाता है, जिसकी वजह से ये सर्दियों में सख्त ठंड से महफूज रहता है और पानी में तेजी के साथ हरकत भी कर सकता है। इसके अलावा ये इसे कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं। ऊद बिलाव दिन के मुकाबले में रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऊद बिलाव बड़े आजम एशिया, यूरोप और ज्यादातर शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 12 साल तक होती है और इनका वजन अमूमन 16 से 17 किलोग्राम तक होता है, मगर कुछ का वजन 50 किलोग्राम तक भी हो सकता है। ऊद बिलाव हर वक्त कुछ न कुछ करने में मसरूफ रहता है। कभी ये अपना घर बना रहा होता है तो कभी डैम, और ज्यादातर ये दरख्त ही काटने में मशगूल रहता है। ऊद बिलाव अपनी जहानत, चुस्ती और मेहनत से हमें बेहतरीन मंसूबा बंदी, सख्त मेहनत और मुस्बत अंदाज़ ज़िंदगी का सबक देता है।